हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस जून। दोस्तों, हम सबको पता है कि अरिथमेटिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एग्जामिनेशन, चाहे वो प्री का एग्जाम हो चाहे वो मेंस का एग्जाम हो। बट इससे प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट या मेनी ऑफ द स्टूडेंट इस सेक्शन में अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं करवा पाते एग्जाम से पहले। इसीलिए प्रैक्टिस जून लेके आया है एक वीडियो सीरीज जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में जितने भी अरिथमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन हुए हैं प्री में, ठीक है, ये प्री के लिए है, उसको हम लोग सारे इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सीरीज कई पार्ट्स में आएगा, तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि एग्जाम से पहले, एग्जाम देने से पहले आप सारे पार्ट को एक बार गो थ्रू कर लो। हम लोग कोशिश करेंगे 29 से पहले सारे वीडियो को अपलोड कर देने की, ठीक है। तो आप अगर एक बार गो थ्रू कर लोगे एग्जाम से पहले तो आप इस सेक्शन में कॉन्फिडेंट होकर जा सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको ऐसा ही कंटेंट पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबा दो ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप और हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पे। इन दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो विद दैट सेट, लेट्स रोल द इंट्रो एंड स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, जैसे कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अमित डज 40% ऑफ द वर्क इन 10 डेज, देन भार्गव ज्वाइंट अमित एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क इन 3 डेज, हाउ लॉन्ग भार्गव एलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क। देखिए दोस्तों, इसको मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। कोई बहुत ज्यादा ट्रिक लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज आपका स्ट्रांग होना चाहिए, वो होता है कैलकुलेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। आपको कोई ट्रिक लग याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। बेसिक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो भी बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह हैं उसको याद रखना पड़ेगा। और इस पूरे वीडियो सीरीज में मैं ये मान के चल रहा हूँ आपका बेसिक फॉर्मूला सारे चैप्टर्स से क्लियर है, ठीक है, क्योंकि उतने बेसिक में जाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है अमित, 40% ऑफ द वर्क इन 10 डेज, अगर वो 40% वर्क 10 डेज में करता है तो अमित को पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा। अब 40% कर रहा है 10 दिन में, फिर 40% करेगा 10 दिन में, और फिर बचा हुआ 20% करेगा 5 दिन में, तो बेसिकली 25 दिन में वो पूरा काम कर देगा। तो अमित को पूरा काम करने में 25 दिन लगता है। और अमित और भार्गव जब जुड़ते हैं तो वो क्या बोल रहा है, तो रिमेनिंग वर्क को वो 3 दिन में कर देते हैं। तो रिमेनिंग अगर 40% अमित कर चुका है तो 60% बचा, उस 60% को ये 3 दिन में करते हैं दोनों मिलके। तो एक दिन में दोनों कितना परसेंट काम करते हैं, 20% काम। और अगर पूरा काम इन दोनों को करना हो तो कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में, क्योंकि एक दिन में 20% काम करें तो पूरा काम 5 दिन में करेंगे। तो अमित अकेले 25 दिन में पूरा काम करेगा और अमित और भार्गव मिलकर 5 दिन में पूरा काम करेंगे। आपको पता है इन दोनों का जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है, तो 5 और 25 का एलसीएम 25, इससे हम लोग का अमित का एफिशिएंसी मिल जाएगा 1 और अमित और भार्गव का एफिशिएंसी मिल जाएगा 5। अब आपको पता है अगर अमित का एफिशिएंसी 1 है और अमित और भार्गव का एफिशिएंसी 5 है तो भार्गव का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, पता है 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर अमित का एफिशिएंसी 1 है और भार्गव और अमित का एफिशिएंसी 5 है तो भार्गव का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग भार्गव एलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क। पूरा काम 25 है और भार्गव का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो 25 वटा में 4 घंटा लेगा, दैट इज 6 1/4 आवर्स। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, डेज में क्या आवर्स, ठीक है, डेज 6 1/4। आशा है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मैं सारे क्वेश्चन स्लाइड के बाद एक आंसर का स्लाइड भी रख रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पॉज करके ये जो ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन है उससे भी आप अपने आप को समझा सकते हो, ठीक है। तो आपके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है दोस्तों, और हम लोग बस यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, PQR enters into partnership business of total investment 40,000. P invest 5,000 more than Q and Q invest 10,000 more than R. देखिए P है, Q है, R है। P जो है Q से 5,000 ज्यादा लगा रहा है और Q जो है R से 10,000 ज्यादा लगा रहा है। तो अगर R X लगा रहा है तो Q X plus 10,000 लगाएगा, 10K लिख देता हूं मैं, और जो P है वो X plus 5,000 लगा रहा है, X plus 15,000 लगा रहा है, क्योंकि Q से 5,000 ज्यादा लगा रहा है। सॉरी, Q से 5,000 लगा रहा है, X प्लस 15K लगा दिया ये, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको ऐड करते तो टोटल तीनों मिला के कितना रुपया लगा रहा है, 40,000, 40K लगा रहा है। तो इसको करेंगे तो कितना होगा, 10, 15, 25। अब ये 25K को अगर 40K से माइनस करेंगे तो 15K इधर आएगा और ये X प्लस X प्लस X, ये 3X हो जाएगा। तो 3X इक्वल्स टू 15K, तो X इक्वल्स टू 5K, 5,000 हो गया X का वैल्यू। मतलब R लगाया है, अगर मैं लिखूं PQR तो R लगाया है 5,000, क्यू लगाया है 5,000 प्लस 10K यानी 15,000, और आर पी लगा है 15,000 प्लस 15,000 यानी 30,000, ठीक है, सॉरी 5,000 प्लस 15,000 यानी 20,000, माफ कीजिएगा 20,000। अब 3 जीरो से 3 जीरो से कट गया, तो 20, 15 और 5 का एलसीएम ये हो गया, रेशियो होगा 20, 15 और 5, पी क्यू आर, तो 1, 3 और 4 हो गया इसका रेशियो।
अब कितना टोटल 20,000 है, और पी का निकालना तो 4 बाई 4 3 7 1 8 इंटू 20,000 यही होगा पी का, तो 1/2 और 2 से 20,000 करेंगे तो 10 के आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको समझ में आया होगा। वैसे यहाँ पे मैंने आपका इसका आंसर स्लाइड भी लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ टोटल मंथली सैलरी ऑफ महेश ही स्पेंड 25% ऑन ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन रेंट। अब मान लिया 100x का टोटल सैलरी है, तो 25x लगा दिया किसमें, आपका रेंट पे 20% ऑन ट्रैवलिंग में 20% 20k लगा दिया ट्रैवलिंग में। फिर क्या बोल रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 40% ऑफ द रिमेनिंग मंथली सैलरी फॉर फूड, 40% ऑफ रिमेनिंग। अब बचा कितना, 20 25 45 हो गया, बचा 55 का 20% कितना होता है, 55 का 20% 22, तो 22x लगाया है ये फूड में। ठीक है, ओके फूड, एंड व्हाइल रिमेनिंग सैलरी सेव्ड व्हिच इज इक्वल टू 1,65,000। तो रिमेनिंग सैलरी सेव होगा, रिमेनिंग बचा कितना देखो, 25 20 45 45 और 22, 5 2 7 और 67x हो गया टोटल खर्चा। तो बचा कितना, बचा आपका 33x, 100 में 67x खर्चा हो गया तो बचा 33x, तो ये हो गया सेविंग्स। ये सेविंग्स इक्वल्स कितना है, 1,65,000 के, तो 33 25 165 होता है 500, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 500 रुपए। तो आपको पूछा टोटल सैलरी, टोटल 100x था, तो 500 पे 2 और 0 लगा दो तो 50,000 रुपए इसका टोटल सैलरी हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ये 50,000 रुपए इसका टोटल सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 मीटर मोर देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर। अगर स्क्वायर का साइड s है तो लेंथ होगा s प्लस 12 एंड ब्रेथ इज 5 मीटर लेस देन द साइड ऑफ स्क्वायर, और ब्रेथ जो है s माइनस 5 होगा। ये सब दोस्तों आपको करना नहीं होता, बस दिमाग में आप नोट डाउन करते चलो। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा 784। आपको पता है साइड का स्क्वायर होता है एरिया, s स्क्वायर इक्वल टू 784, तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा, s का वैल्यू 28। आपको स्क्वायर याद रखना पड़ेगा दोस्तों, एटलीस्ट 30 तक। ठीक है, 28 का स्क्वायर होता है 784, तो लेंथ कितना हो जाएगा 40, 28 प्लस 12, और ब्रेथ कितना हो जाएगा 28 माइनस 5 यानी 23। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना, चाहते बार दो लगाए, 4 2 8 1 9 9, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ऐसा ही आपको समझ में आया होगा, 920 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्या बोला, अ बोट कैन ट्रेवल 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 66 मिनट। अब देखिए आपका बोट का डाउनस्ट्रीम स्पीड दे दिया हुआ है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो 55 बाई 66। अब देखिए दोस्तों ये किलोमीटर में है, तो इसको आवर में करना होगा, तो 66 है, 66 मिनट है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ पे ना लिख के, अगर यहाँ पे 60 से लिखता तो ये हो जाता आवर में। अब ये 60 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट मिनट सेकंड मिनट थर्ड होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 55 बाई 66 इंटू 60। ठीक है, अभी तो करेंगे 11 6 जा 11 5 जा और ये 6 10 जा, तो ये हो गया 50 km/h। तो हम लोग को डाउन स्ट्रीम स्पीड पता है 50 km/h। और क्या बोला, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्टील वाटर x और टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम y, x और y का रेशियो दिया 4:1। x होता है स्पीड ऑफ बोट एंड स्टील वाटर, और y होता है रेट ऑफ स्ट्रीम, तो 4:1 दिया हुआ है। अब एक बात बताओ दोस्तों, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड इज नथिंग बट x प्लस y होता है, तो x प्लस y इक्वल्स है 50 का, तो 4 प्लस 1, तो 5x इक्वल्स 5 इक्विवेलेंट होगा 50 का, तो 1 इक्विवेलेंट होगा 10 का, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 और y का वैल्यू हो जाएगा 10। ऐसे आपको समझ में आया होगा, क्योंकि x और y का रेशियो दिया हुआ है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, x प्लस y, तो 4 प्लस 1, 5 इक्विवेलेंट होगा किसका, 50 का, तो 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 का। और यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है 4:1, अगर इसको हम लोग रियल वैल्यू में कन्वर्ट करें, तो यूनिट का वैल्यू रख देते हैं हम लोग, अगर 1 का वैल्यू 10 है तो 4 का वैल्यू 40 और 1 का वैल्यू 10, तो हम लोग x का वैल्यू मिल गया और y का वैल्यू मिल गया। अब क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम विल इट बोट टेक टू कवर 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 72 किलोमीटर डिस्टेंस बाई टाइम पूछा, तो डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। अब अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, एक्स माइनस वाई होता है, तो 40 माइनस 10 30 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 36, फिर 3 से 3 5 15 12 13 36, तो 12/5 है, 12/5 इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/5, 2 घंटा, 2/5 घंटा। अब 2/5 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 24 मिनट, तो 2 आवर 24 मिनट। ऐसे ही आपको समझ में आएगा दोस्तों, जितना ज्यादा कैलकुलेशन आप दिमाग में करोगे उतना जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 years ago द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:2। ए और बी का जो रेशियो है 3:2 है 5 साल पहले, याद रखिएगा 5 साल पहले। सी इज 7 ईयर यंगर देन ए, मतलब सी जो है ए से 7 साल छोटा है, मतलब अगर सी का एज निकालना है तो ए के एज से हम लोग को 7 साल घटाना पड़ेगा। द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 2 टाइम्स ऑफ डी। अब सी का जो प्रेजेंट एज है वो
डी के दुगुना है. फाइंड द परसेंटेज ऑफ बी इफ द एज ऑफ डी आफ्टर 6 ईयर इज 35 साल. 6 साल बाद अगर 35 साल का होगा तो अभी डी का एज क्या है 29. अब डी का एज 29 तो सी का एज कितना हो जाएगा 58. अब सी का एज 58 तो ए का एज कितना हो जाएगा 58 प्लस 7 दैट इज 65. अब इस ए को यहाँ पे मत रख दीजिए क्योंकि ये 5 साल पहले का बात है. अभी अगर ए का प्रेजेंट एज 65 है तो 5 साल पहले ए का कितना एज होगा 60 एज हुआ होगा. अगर ए का एज 60 तो 3 इक्विवेलेंट हो जाएगा 60 का तो एक इक्विवेलेंट हो जाएगा 20 का. तो 2 किसका इक्विवेलेंट होगा जो कि बी का एज 5 साल पहले है 2 तो 2 इक्विवेलेंट हो जाएगा 40 का. ठीक है तो बी का एज 5 साल पहले 40 था तो अभी कितना हो जाएगा 45. तो बी का एज 45 हो जाएगा. अच्छा आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ए सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 954 एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 6%. एट व्हाट प्राइस शुड इट हैव बीन सोल्ड सो टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 14%. देखो ए जो है एक आर्टिकल बेचा 954 रुपए में तो 6% का प्रॉफिट हो गया. मतलब 100 रुपए का चीज अगर 106 रुपए में बेचा है तो 106 इक्विवेलेंट हो जाएगा किसका 954 का और उसको 14% का प्रॉफिट करना है तो 114 किसका इक्विवेलेंट होगा यही पूछ रहे हैं. तो हम लोग सिंपली कर देंगे 954 किसका इक्विवेलेंट है 106 का तो 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा 106 बट्टा 954 बाई 106 और 114 इक्विवेलेंट किसका हो जाएगा 954 बाई 106 इनटू 114. ठीक है 106 से एक कट जाएगा 9 बार में तो 114 से 9 का मल्टीप्लाई कर दो 3 9 9 10 लगा 1 9 9 10 1026 रुपए में बेचेगा तो उसको 14% का प्रॉफिट हो जाएगा. ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन को दिमाग में करना है दिमाग में. ठीक है अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप आंसर स्लाइड में पॉज करके आंसर को देख सकते हैं. 12 मैन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज व्हाइल 10 में वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज. अगर 12 मैन कैन डू द वर्क इन 10 डेज तो 12 मैन के द्वारा किया गया काम इक्वल होगा 18 मैन के द्वारा 18 वुमेन के द्वारा किया गया काम के 10 वुमेन के द्वारा किया गया काम से. ठीक है 12 men can do the work in 10 days और 18 women can 10 women can do the work in 18 days. तो ये दोनों तो टोटल वर्क तो दोनों में सेम होगा क्योंकि सेम वर्क बोला है. ठीक है तो यहाँ से हम लोग का क्या बोला मैन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा. देखिए 10 10 कट जाएगा 6 × 12 6 × 3 = 18 तो ये हो जाएगा 3/2. ठीक है तो 3 men 2 women के इक्वल है. अब क्या बोला है तो टोटल वर्क सबसे पहले निकाला है. टोटल वर्क क्या था 12 men और 10 था तो मेन की जगह पे 3 रख देंगे तो कितना जाएगा 360. टोटल वर्क हो गया 360. अब कितना उसी काम को कितने लोग कर देंगे 4 मैन और 6 वुमेन. 4 मैन यानी 4 × 3 प्लस 6 वुमेन यानी 6 × 2. मैं एम मैन की जगह पे 3 और वुमेन की जगह पे 2 रखा है तो कितना हो जाएगा 360 बाई 12 + 12 = 24. 24 से कटेगा 15 बार में तो आंसर 15 डेज. ठीक है ऐसे ही समझ में आया होगा. नेक्स्ट करते हैं. A car can cover a distance of distance in 4 hour at a speed of 60 km/h. By then, why what percent should the speed be, speed of the car be increased to cover the same distance at 2.5 hour? देखिए अब जब speed same होता है दोस्तों distance जब same होता है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए speed is directly proportional to time. यहाँ पे time का ratio दिया हुआ है कितना कितना. पहले 4 घंटे में था अब 2.5 घंटे मतलब 5/2 घंटा. अभी अगर 2 से 2 और multiply कर दे तो time का ratio दिया हुआ है 8:5 का. चूंकि हम लोग का डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा 5:8 हो जाएगा. पहले 5 की स्पीड से चल रहा था अब 8 की स्पीड से चलता है तो कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया. 3/5 कितना परसेंट होता है 60% होता है. आंसर टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे. ठीक है नेक्स्ट क्या बोल रहा है. द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड रहीम 10 ईयर्स एगो वॉज 1:3. तो राम और रहीम का एज का जो रेशियो है 1:3 है 10 साल पहले एंड 5 ईयर हेंस इज 2:3 और 5 साल बाद 2:3 है. तो एक चीज हम लोग को देखना पड़ेगा दोस्तों कि जब दो लोगों के एज का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. ठीक है वो कभी चेंज नहीं होता. लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है 2 है और यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है 1 है तो ये तो नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए हम लोग नीचे वाले से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले से 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 1:3 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:3 ही आएगा और 2:3 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:6 आएगा. अब देखिए यहाँ पे भी आपका एज का डिफरेंस कितना होगा 2 का हो गया और यहाँ पे भी आपके एज का डिफरेंस 2 का होगा जो कि कांस्टेंट है. अब जब ये दोनों डिफरेंस आपका कांस्टेंट हो गया तो ये दोनों डिफरेंस अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा. तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3 है. ये 3 जो है डिफरेंस है वो कितने साल के अंतराल में डिफरेंस है. ये डिफरेंस है 15 साल के अंतराल में क्योंकि ये बोला है कि 10 साल पहले और 5 साल बाद. मतलब अगर आपका ये बेस पॉइंट है तो 10 साल पहले और 5 साल बाद तो डिफरेंस कितना है 10 और 5 = 15 का. तो 3 इक्विवेलेंट होगा 15 का तो 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 का. तो क्या बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस. अब प्रेजेंट एज कितना है पहले तो हम लोग प्रेजेंट एज का दिया ही नहीं है. हम लोग को पता है 10 साल पहले का रेशियो. 10 साल पहले का रेशियो क्या हो जाएगा अगर हम लोग पुट करेंगे तो 10 साल पहले इसका एज कितना हो जाएगा 5 और 15. अगर उन दोनों में 10 10 ऐड कर देंगे तभी हम लोग प्रेजेंट एज आएगा. तो 15 और
25, तो इसका रेशियो हो जाएगा 15:25, उपयोग करेंगे तो 5 से 15 और 5 5 25, 3:5 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, लगभग 10 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में कहा किया है। ठीक है, तो हम लोग 10 10 क्वेश्चन के एक वीडियो बनाएंगे ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो। अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा है तो मैं आपको फिर बोलता हूँ आप 2x की स्पीड से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज पर। हमें मेल कर सकते हैं welcome to practicezone@gmail.com। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।